राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भिवानी दौरा है आज 11:55 पर आदर्श गांव सुई पहुंचेंगे महामहिम। आदर्श गांव सुई में विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति 12 बजे कृष्ण झील का करेंगे लोकार्पण। ऑडिटोरियम और गांव के स्कूल का भी लोकार्पण और निरीक्षण राष्ट्रपति करेंगे। ऑडिटोरियम में ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑडिटोरियम में ग्रामीणों का भी अभिवादन राष्ट्रपति करेंगे। कृष्ण झील पर होगा दोपहर भोजन का कार्यक्रम और दोपहर में करीब 1.5 घंटे झील पर ठहराव किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति की धर्मपत्नी बेटी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति की धर्मपत्नी बेटी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां ऑडिटोरियम में ग्रामीणों का भी अभिवादन होगा और कृष्ण झील पर दोपहर का भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर में करीब 1.5 घंटे झील पर रहेगा ठहराव, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति की धर्मपत्नी बेटी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑडिटोरियम में ग्रामीणों का भी करेंगे अभिवादन, कृष्ण झील पर दोपहर भोजन का कार्यक्रम होगा और दोपहर में करीब 1.5 घंटे झील पर ठहराव रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, थोड़ी देर में महामहिम पहुंच जाएंगे और गांव का उद्घाटन भी करेंगे, फिलहाल क्या कुछ वहां पे तस्वीरें तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, तरावड़ी स्व प्रेरित गांव आदर्श जो गांव बनाया गया है, सुई गांव की तस्वीरें हैं। मुख्य एंट्रेंस है जो है आप देख पाएंगे, इस मुख्य एंट्रेंस पर पुलिस बलों का चप्पे चप्पे पर पहरा है, निगहबानी पूरी तरह से की जा रही है। डीएसपी स्तर के अधिकारी प्रत्येक इस तरह के नाकों पर जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी अधिकारी जो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। चार कार्यक्रम, सबसे अहम बात यह है कि चार कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस गांव सुई में होने वाले हैं। हेलीपैड पर आएंगे 11:55 पर, जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ संशोधन हो सकता है, 10-15 मिनट पहले बाद में जो है महामहिम आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है, 11:55 पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद 12 बजे कृष्णा झील, साथ में बगल में 100 मीटर की दूरी पर जो हेलीपैड से कृष्णा झील है वहां पर उसका लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत जो है एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, बड़ा ऑडिटोरियम, करोड़ों रुपए की लागत से मल्टीप्लेक्स टाइप, तमाम सुविधाएं उसमें जो है एक बड़े हॉल में जिस तरह की सुविधाएं मिल पाती है वो तमाम सुविधाएं, ग्रामीणों से संवाद करेंगे, साथ ही साथ लोगों से, जो गांव के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे रूबरू भी होंगे। ग्रामीण उनका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक अहम चीज और बताना चाहूंगा, उसके बाद जो है महामहिम राष्ट्रपति वो गांव के विद्यालय में जाएंगे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जाएंगे, बच्चों से भी, कुछ चुनिंदा बच्चे हैं उनसे रूबरू होंगे, साथ ही साथ लैब का उद्घाटन करेंगे, एक लैब जो है उसका लोकार्पण करेंगे, जो एक लाइब्रेरी जो है बनाई गई है उसका लोकार्पण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नव निर्मित जो भवन है उसका लोकार्पण करेंगे। बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि इस गांव को जो है खुद ही गांव के एक सेठ के द्वारा, सेठ किशनलाल जिंदल के द्वारा विकसित किया गया है, आदर्श गांव का दर्जा इसी वजह से दिया जा रहा है। और बड़ी बात कि इस गांव का आज खुद महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। गांव की गलियां, गांव की सड़कें, वो तमाम चीजें देखकर ये अनुभूति होती है कि वास्तव में जो है ये गांव शहरों को भी मात देता है। इसके अलावा जो सुविधाएं यहां पर आला दर्जे की हैं वो भी ये बयां करने के लिए पर्याप्त हैं। काफी दिन से जो है प्रशासन भी इस मशक्कत में था कि किस तरह से कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए, और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें जो है देखी जा सकती हैं। चप्पे चप्पे पर, चूंकि मैंने बताया कि इसी तरह से पुलिस बलों का पहरा है और इसी वजह से जो है इन्हें कहीं पिंजरे तक नहीं पा सकते। हालांकि गांव के लोगों को अंदर जाने की इजाजत जरूर है, महामहिम को देख सकते हैं, हालांकि रूबरू भी होंगे महामहिम, लेकिन 3-4 लेयर की जो सुरक्षा है वो व्यवस्था पुख्ता की गई है अंदर की तस्वीरें। हालांकि अभी फिलहाल अगर सुरक्षा पॉइंट व्यू से बात करूं वो भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये बाहर की वो तमाम तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से पुलिस बलों का पहरा है। अंदर जो है मैं बताना चाहूंगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह, हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह, सूरत के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो जो है अंदर अभी सभा स्थल पर पहुंचे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने साझा की थी। इसके अलावा मैं बात करूं, खुद जो राष्ट्रपति हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनके साथ जो आएंगे, तो एक तरह से पारिवारिक कार्यक्रम,
कुछ निजी कारणों के चलते जो पारिवारिक कार्यक्रम इसको नाम दिया गया है। हालांकि ये अहम बात है कि इससे पहले नूगांव को नूह में जो है नूह जिले में गांव था जिसको जो है गोद लिया गया था और ये वो गांव है जिसको खुद ग्रामीणों के द्वारा जो है आदर्श गांव सौ प्रेरित आदर्श गांव जो है अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर एक अलग से पहचान इस गांव ने कायम की है। उस गांव का आज खुद महामहिम जो है लोकार्पण करेंगे। लोगों के लिए बड़ी बात, उत्साह भी है लोगों में, जोश भी है और साथ ही साथ इस बात को लेकर एक्साइटेड भी है कि कब महामहिम यहाँ पर आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उसके बाद कब वो लोगों से रूबरू होंगे। बड़ी बात हो कि एक छोटे से गांव में बताना चाहूंगा तरावड़ी के 6000 की आबादी वाला ये गांव है, एक छोटा सा गांव, 4000 साढ़े 4000 वोटर यहाँ पर है। इसके बावजूद इस तरह की जो सुविधाएं यहाँ पर मयसर है मुहैया करवाई गई है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, न केवल इस जिले के लिए बल्कि पूरे प्रदेश देश के लिए बड़ी बात है। देख पाएंगे तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तमाम जो लोग चाहे गाड़ियां जा रही है चाहे मैनुअल जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उनकी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। किसी भी तरह से कोई हालांकि नो मूवमेंट जोन को करार दिया गया बनाया गया है और इस जोन में कोई भी जो अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं। लोग प्रेजिडेंट विजिट के दौरान प्रोटोकॉल के मुताबिक जिनके पास जारी किए गए महज वही लोग अंदर जा सकते हैं, चुनिंदा लोग जो है वो अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोगों के लिए एंट्री पूरी तरह से निषिद्ध की गई, बैन की गई है और कुछ देर बाद जब तमाम वीआईपी यहां पर पहुंचेंगे, जब यहां पर जो राष्ट्रपति हैं पहुंचेंगे उसके बाद इस जगह को भी पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि गांव सुई की तस्वीरें हैं तरावड़ी, जहां पर चंद मिनट के बाद देश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और हरियाणा की आज विजिट जिस तरह से है राष्ट्रपति की, तो उस विजिट के दौरान इसी गाँव में महज इस गाँव में आ रहे हैं राष्ट्रपति, इस गाँव का लोकार्पण करेंगे और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाकचौबंद यहाँ पर की गई है, पूरी तरह से जो है सुरक्षा घेरे में तमाम जगहों पर अंदर की तस्वीरें और दिखाएंगे कि किस तरह से खेतों में दूसरी जगहों पर जहाँ पर एलिपेट बनाया गया है वहां पर इसी तरह का आलम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों का पूरा पहरा है। और एक अहम बात कि हरियाणा प्रदेश के करीबन 15 जो है आईपीएस अधिकारी उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, 7 जिलों के आईपीएस अधिकारियों को डिप्लॉय यहां पर किया गया है, स्थानीय पुलिस यहां पर जुटी हुई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज तस्वीरों में पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी यहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है ताकि राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम में किसी भी तरह से सुरक्षा के मामले पर कोई चूक ना रहे, क्योंकि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह से और विजिट जो है वो काफी महत्वपूर्ण भी है, काफी अहम भी है, दौरा कार्यक्रम जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, सफलतम हो, इसी के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। पूरा प्रशासन हालांकि इस कवायद में जुटा हुआ था और उस कवायद का हिस्सा है कि आज जो है राष्ट्रपति आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। तरावड़ी जी बिल्कुल नजर बनाए रखे, तमाम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो शाम रोड स्थित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने जिले में नए बनाए गए बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के मद्देनजर हवन यज्ञ में आहूति डाली। यह दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम दास सराफ और विशंभर वाल्मीकि समेत बीजेपी जिला इकाई के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से चौकसी बरती और कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। तो गुरुग्राम में कसने